चार सफर जो था आप तो घर से आने लग रहे हैं। मामला सुबह स्टेशन अच्छा हुआ लेकिन घाट अच्छा बना हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह का 4 बजे, जैसे कि आप लोग अभी देखे ही होंगे। तो अभी एक कुछ बोलने से पहले हम एक चीज़ दिखाते हैं। तो ये नया एक्सपेक्स कल ही लिए थे, तो कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं पटना, जो कि जा रहे हैं अकेले। तो काफ़ी मतलब हैक्टिक जर्नी होने वाला, क्योंकि अकेले कभी गए नहीं है। पहले भी सिक्किम जा चुके हैं, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा। लास्ट टाइम ट्रेन पर चले 2014 में, तो ये 4-5 साल बाद होगा कि हम ट्रेन पर भी चढ़ने वाले हैं लॉन्ग जर्नी के लिए। तो और पटना भी बचपन में ही गए थे जब हम 12 साल के थे। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है पटना और किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो तो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। अभी बता देंगे तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा ना। तो चलते हैं और इस जर्नी का आप लोग पार्ट बनिए और चलते हैं अभी स्टेशन, क्योंकि 5 बजे ट्रेन है। बाय बाय। निकल चुके हैं, तो इट्स काइंड ऑफ स्कैरी कि सुबह सुबह रोड पे कोई नहीं और हम निकले हुए। तो ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत दिनों बाद जब कोई चीज़ करते हैं ना तो डर तो लगता ही है। अभी तो आगे भी पीछे पीछे आ रहा था तो अच्छा लगा था, तो मैं प्रोडक्ट कर देता। तो अभी स्टेशन यहाँ से 10 मिनट दूर है, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट स्टेशन पर, क्योंकि अभी जाएंगे अगर टोटो मिलता ठीक है तो पैदल जाना पड़ेगा। मेरा पहले क्रिकेट का मैच वगैरह रहता था, तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और ट्रेन से जाते थे इधर उधर। लेकिन ये लॉन्ग जर्नी होगा और किस लिए जा रहे हैं वो तो वहाँ जा के ही पता चलेगा। अब तो थोड़ा गाइस हलचल हो रहा है इस एरिया में, क्योंकि इधर से स्टेशन जाता ना चले थे, पूरा हलचल हो रहा है। स्टेशन तो पहुँच गए, लेकिन सबसे पहले टिकट ही नहीं लिए। आने का टिकट ले लिया लेकिन जाने का नहीं लिया है। तो लग रहा है सब अपने अपने जगह से आने लग रहे हैं, लेकिन हमको तो जाना है, वो लोग को आना, हमको तो जाना है। पहले से स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 4 साल जो था अब तो अपोजिट भी नहीं, एकदम ब्रांड न्यू। ट्रैवल करना भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस, एकदम बोर हो गए। अभी भी 4-5 घंटा लगने वाला है पहुँचने में पटना। फाइनली पटना अराइव कर चुके हैं, अभी कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। भागलपुर का स्टेशन ज़्यादा साफ और अच्छा है पटना के कंपैरिजन में। वो श्री कृष्ण भगवान काफ़ी अच्छा बनाया गया है, मस्त सा मंदिर है। और यहाँ कार्स बहुत लगे हुए हैं, मतलब ओ भाई आपको एक चीज़ दिखाता है, ये देखिए, मतलब क्या ही मतलब अच्छा बना। हमको लगा था कि भागलपुर का स्टेशन अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ आर्ट अच्छा बना हुआ है। ये पूरा एकदम भागलपुर से एकदम अलग है और काफ़ी अच्छा है। ये पता नहीं पहले कि पटना क्यों आए, उससे पहले होटल बुक करेंगे तो उसके बाद पता जाएगा कि पटना क्यों आए और किस लिए आए हैं। पहला इंप्रेशन काफ़ी हमको अच्छा लगा पटना का, मतलब काफ़ी पॉपुलेटेड जगह लग रहा है। अब शाम में घूमेंगे तो और पता चलेगा, लेकिन घूमने से पहले एक काम करने के लिए आए, वो काम पूरा करेंगे। अकेले ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल है, मतलब ब्लॉगिंग करे सब घूम घूम के देख रहा है क्या कर रहा है ये बंदा यहाँ आके। घर में तो कंफर्टेबल थे, लेकिन दूसरा शहर आके करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कर लेंगे, काम ही है हम लोग का। जी वाला ट्रेन का एक हिस्ट्री अभी पता चला हमको, ये जो पहले ट्रेन चलता था उसका सैम्पल है, जो मतलब पहले ज़माने में ट्रेन चलता था उसका सैम्पल है। पहले ऐसा ट्रेन होता था, देख लो सब। हाय, सो गाइस ये है मेरा होटल रूम, जो कि हम आज भी लेकर रुके हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे यहाँ हम क्यों रुक रहे हैं, मतलब सबसे पहले हम बता चाहेंगे पटना ही क्यों आए। तो पटना इसलिए आए क्योंकि जो मेरे भैया हैं, मतलब सबसे बड़े भैया, उन्होंने खोला है कि स्टूडियो, मतलब कि वो तो वहाँ जाके पता चलेगा कैसा है, मतलब कि बहुत बड़ा है सब, ये मतलब ये तो जान लो। तो आज उसी का ओपनिंग है, तो उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी आएंगे। हम तो फिलहाल अकेले हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रैवल किए हैं वो भी अकेले, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं खाने के लिए नीचे। तो चलते हैं, और बहुत भूख लगी, मतलब होटल उड़ने में तो वाट लग गया, तो भैया नहीं रहते तो मदद नहीं हो पाता मेरा। तो चलते हैं नीचे और खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो पूरा पेट पूजा हो गया, एकदम पेट यहाँ तक खा लिए। अकेले खाने का मज़ा ही अलग होता है, दोस्तों को वीडियो कॉल किए। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं आराम करेंगे, शाम को भी जाना है पार्टी में,
तो ओपनिंग में, तो जाते हैं आराम करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, सोएंगे फिर उठेंगे तब। तो बताइए ये चश्मा कैसा लगा, अच्छा कि खराब? सो गाइस शाम का अभी 5 बजे है, तो अभी फिलहाल काफ़ी रश में, क्योंकि अभी जाना पड़ेगा, भैया बोला कॉल करके आ जाओ, तो भैया अभी कार भेज रहे हैं, तो कार से वेट करते हैं और फिर चलते हैं। और प्यार भाई कैसा लग रहा है भाई, कॉल करके जरूर बताना। तो चलते हैं और देखते हैं क्या ही धमाल मचने वाला है आज के ब्लॉग में। अभी ये शहर तो कभी रुकता ही नहीं है, मतलब दिन भर गाड़ी इधर से उधर पी पै होते रहता है। काफ़ी अच्छा शहर है वैसे पटना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, तो सब बंद कर देते, खोल दे तो नहीं चलते। काफ़ी बिजी शहर है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, तो फिलहाल अभी वहाँ जाने में लेट हो, तो सोच रहे एक मॉल हुआ है फिर चलेंगे वहाँ। दो लेने, सिंगल लेने को डबल लेने, मतलब डबल लेने, एक से आता है एक से जाता है। वो देखेगा इस बिजली का बिल, उसका भाप भरेगा। काफ़ी अच्छा लगेगा वहाँ जाएंगे, क्योंकि लेना ही नहीं तो फिर वहाँ जाके फायदा नहीं। सो भाई जैसे हमारे यहाँ शाम आ गए, तो यहाँ चांदनी चौक है, तो चना का चांदनी चौक कैसा है, अकेले घूम रहे हैं, देखते हैं क्या ही कवर अप कर पाते कंटेंट। यहाँ तो पूरा लाइटिंग हुआ पड़ा है सब जगह, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, शायद दिवाली या दशहरा के लिए ही होगा इतना लाइटिंग, नहीं तो फिर इतना लाइटिंग क्यों ही बेचता सब। देखते हैं यहाँ वहाँ का डिफरेंस और यहाँ के में क्या अंतर है। यहाँ के ब्यूटी में डिफरेंस है कि यहाँ टर्टल मिलता है 175 में, हम लोग के शहर वालों को नहीं मिलता है। और वहाँ के ब्यूटो, यहाँ के ब्यूटो में अंतर है कि वहाँ सामने से एग्जिट होता है, यहाँ ऊपर से एग्जिट होता है। और वैसे ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आर्ट है इस तरफ भी, और तो वैसे अभी हम जिस रूम में है ना, वो है रिकॉर्डिंग रूम, मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ भी चिल्लाएंगे जो है ना, लेकिन वो आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये साउंड प्रूफ रूम है, पूरा एकदम अच्छे से कवर किया गया, मतलब एक जरा सा भी आवाज़ नहीं जाएगा, क्योंकि इस रूम में जो ये जो स्टूडियो खोला है मेरे भैया का, यहाँ आके सब गाना गाएगा, प्रचार का रिकॉर्डिंग होगा, बहुत सारा रिकॉर्डिंग होगा, मतलब कि पटना में तहलका मचने वाला है ये स्टूडियो के नाम से। इस वाले रूम में कि ना अंदर से आवाज़ बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, मतलब कि एक व्लॉगर को और क्या ही चाहिए, रोड का पै 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 होते रहता है, तो उससे बचने के लिए, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं बाहर और टूर कराते हैं स्टूडियो कैसा है। लता दीदी के साथ, उनके साथ मैंने गाया है, अजीत राठौर जी, कुमार सानू जी और उदित नारायण जी, तो सदा बाहर है उनके साथ, मेरे बहुत सारे गाने। हरिया लुटाए राजा, और मेरा पहला जो प्लेबैक सिंगिंग का जो ग्रेट सॉन्ग जो मेरा रिकॉर्ड हुआ, जो अब तक का मेरे लिए एक यादगार सफर है। तो सुर को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं गा रहा हूँ या गा रही हूँ, तो वो सुनना है कि मैं क्या सुर तो देख ले, लेकिन तो मेरा बाइक है यहाँ पे है, तो इतना दिन बाद चलाएंगे, मेरे पास तो मोटो व्लॉग नहीं, तो ऐसे ही चलना पर बेचारा पे धूल बैठा हुआ पूरा, तो पूरा पूरी हम 2 महीना बाद चला रहे हैं, 2 महीना बाद चला रहे हैं, वही पटना में चल रहे हैं। सो यहाँ का रोड एकदम मक्खन है, मतलब यहाँ बाइक चलाने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं ना, मतलब फसल में ये मज़ा 0% है, यहाँ एकदम मक्खन रोड, एकदम मक्खन। पीछे तो कोई रिकॉर्ड करने वाला, तो रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, मक्खन रोड है। हम दर्शक जी, हम गुंजन सिंह पैची को प्रणाम करते हैं, बोल रहे थे, और आज बहुत खुशी की बात है कि शंकराय स्टूडियो भाई ने बहुत दिन कॉल किया, आज ऐसा हुआ, हम जाने वाले थे दिल्ली लेकिन नहीं जा पाए, तो हमको लगा कि एकदम चलना चाहिए, हमारे भाई प्रमोद तालियां होने चाहिए भैया के लिए, दोनों भैया के लिए।
धन्यवाद अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाले, ये इनका बड़प्पन है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों का। अरे प्रमोद भैया हाल ही में एक तान पहचान है गमछिया बिहार के गुमान बगुमछिया कि देखने में तुमको भले कबार लगते हैं। क्या बात है, सो गाइस बैक टू होटल। तो आज बहुत सारा भोजपुरी सुपरस्टार से मिले, तो बहुत सारा भोजपुरी सुपरस्टार से मिले लेकिन बहुत लोग को तो नहीं जानते, लेकिन उनका लोग प्रियता बहुत ज़्यादा है गाइस। भोजपुरी माई स्वयर होगा, जैसे वो इंटर करते तो सब सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाते थे। तो फिलहाल मैं सर में दर्द तो भी एक दवाई ज़्यादा बदल से और स्टिंग ले लेंगे, क्योंकि आज रात भर गुजारना, फिर कल रात करते हैं तो कल फुल घूमेंगे, फुल मस्ती होगा। गुड गुड गुड, शॉप तो बंद हो गया तो स्टिंग पिंग और सो जाएंगे, क्योंकि सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, बेसिकली मेडिकल बंद हो जाता है इसीलिए।